बीबी के अलावे में द सेवियर फाउंडेशन की जानिब से हम एक पुरामन प्रोटेस्ट पुरामन एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का मकसद ये है कि ये अय्याम फातिमिया है शहजादी कौनैन शहजादी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो सरकार ख़त्म मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अज़ीज़ है। उनकी शहादत के मौके पर जो मजालिम उन पर हुए और शहीद किया गया वो एक बहुत बड़ा दुख और दाग है हमारे सीने पर, और उससे बड़ा दुख ये है कि आज भी शहज़ादी की कब्र शिकस्ता है। शहज़ादी की कब्र जो है 1925 21 अप्रैल सऊदी किंग इब्न सऊद के ज़रिए इनहदाम कर दी गई, मुनदम कर दी गई। और न सिर्फ शहज़ादी की कब्र का इनहदाम हुआ बल्कि उसके साथ साथ तमाम मासूमीन और तमाम दीगर असहाब रसूल की कब्र को भी मुनदम कर दिया गया। हम आज पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं कि हम तमाम मुसलमानों को ये मौका दिया जाए सबसे पहले कि हम अपनी शहज़ादी की कब्र पर, तमाम मासूमीन के कब्र पर और तमाम असहाब रसूल जो उस जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मदफून हैं उन तब सब की कब्रों पर हम जा सकें, ज़ियारत कर सकें, और उसके साथ साथ शहज़ादी और तमाम मासूमीन के रोज़ों को फिर से तामीर किया जाए ताकि आलम इस्लाम में हर मुसलमान, हर रसूल का चाहने वाला, हर शहज़ादी का चाहने वाला शहज़ादी के रोज़े पर जाए, खराज अकीदत पेश करे, ज़ियारत से मुशर्रफ हो। तो सेवियर फाउंडेशन डिमांड द रीबिल्ड ऑफ जन्नतुल बकी। हम इस एहतजाज के बाद पिटीशन हमने साइन कराया है, जो पिटीशन हम पुरअमन तरीके से हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तेलंगाना के दफ्तर में जाके सबमिट करेंगे। उसकी एक कॉपी हम सऊदी एम्बेसी में जनाब एम्बेसडर साहब को भेजेंगे और एक कॉपी हम यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के ऑफिस न्यू दिल्ली में हम भिजवाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम पुरअमन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हुए अपने शहर, अपने मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करते हुए पुरअमन तरीके से अपनी बात अपने मुल्क के आला अधिकारियों को, आला अफसरों को और अपने मुल्क के बाहर भी आला अफसरों को हम मुतवज्जे कराएं ताकि शहज़ादी के रोज़े की तामीर हो सके। वाखुदावाना अलहम्दुलिल्लाह।